गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय सेल्फ आसमा इस्लाम एंड यू आर वाचिंग। प्लीज़ क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड नोटिफिकेशन बेल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन अल्फ्रेडो, जो आपने ना कभी पहले खाया होगा और ना कभी बनाया होगा। तो चलिए बनाते हैं सो यम्मी चिकन अल्फ्रेडो की रेसिपी। यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 लीटर पानी बॉईल कर लिया है। अब इसमें हम 100 ग्राम पास्ता ऐड करेंगे। यह बाज़ार में ईजली अवेलेबल होती है, इसे पेनी पास्ता भी कहते हैं। तो साथ में हम इसमें अब 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अब चलिए अब इसको हम 10 से 11 मिनट तक बॉईल करेंगे। मीडियम हाई फ्लेम पर इसको पकाना है। 10 से 11 मिनट हो चुके हैं, इसको चेक कर लेंगे तो पास्ता हमारा पक चुका है। तो चलिए इसके पानी को हम ड्रेन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है, उसमें 1 टीस्पून देसी घी लिया है। जैसे ही हमारा घी गर्म होता है, हम यहाँ पर उसमें अपना चिकन ऐड करेंगे, जो हमने 50 ग्राम लॉन्ग शेप में कट कर लिया था। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें 2 पिंच ब्लैक पेपर। इसको अच्छे से स्टर करते हुए फ्राई करना है। फ्लेम को यहाँ पर हाई रखना है, जिससे कि हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए। चिकन को हमने ब्राउन फ्राई कर लिया है। तो चलिए अब इसको हम साइड में निकाल लेते हैं। इसके बाद इसी पैन में हम 1 टीस्पून घी लेंगे, इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसके साथ लिया है हमने 1/2 टीस्पून गार्लिक। इसके साथ हम लेंगे 1 टीस्पून जिंजर। इसको अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। इसके बाद में हम 1 मीडियम साइज़ की ऑनियन, जो हमने रफली चॉप किया हुआ है, उसको भी इसमें ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से स्टर करते हुए हमें इसे फ्राई कर लेना है। इसको सोटे करते हुए अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम 1 बाउल मशरूम लेंगे, उसको हमने पहले से कट कर लिया है। मशरूम को इसमें ऐड करेंगे। तो चलिए अब मशरूम को स्टर करते हुए हमें फ्राई करना है। फ्लेम को यहाँ हाई रखना है, जिससे कि ये बाटर रिड्यूस करेगा, वो जल जाए। मशरूम को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो चलिए अब ये हमारा गोल्डन फ्राई हो चुका है, ऑलमोस्ट हमें इतना ही फ्राई करना है। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। वाइट सॉस बनाने के लिए हमने एक पैन में 1/2 बटर लेंगे, इसे मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। जैसे ही बटर हमारा मेल्ट होने लगेगा, तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून मैदा। अब इसमें इसको डालेंगे, इसके साथ ही इसे ऐसे मिक्स करते जाएंगे, अच्छे से इसको मिलाएंगे और लो से मीडियम फ्लेम पर इसे ऐसे ही पकाते जाएंगे, इसे लगातार चलाते हुए, ताकि ये नीचे से ना जले। इसे ऐसे ही पकाना है 1 से 2 मिनट के लिए, जिससे कि मैदे का कच्चापन निकल ना जाए। अब देखिए मैदा हमारी पक चुकी है, इसमें काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप दूध और इसको अच्छे से चलाते जाएंगे। इसे हमें ऐसे ही लगातार चलाते रहना है, जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े और मैदे की गांठ ना बने। तो देखिए हमारा मिक्सर गाढ़ा हो रहा है, इसको हमें ऐसे ही चलाते रहना है। तो तैयार है हमारा क्रीमी वाइट सॉस। तो चलिए हमारा वाइट सॉस पक चुका है, काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है। तो तैयार है अब हमारा सॉस, काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। अब इसमें कुक किया हुआ मशरूम ऐड करेंगे, इसको हम इसमें चला लेंगे अच्छे से। और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने पहले से तैयार किए हुए हैं, इसको भी इसमें मिक्स कर लूँगी। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी बॉईल किया हुआ पास्ता। अब इन सारी चीज़ों को टॉस करते हुए मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं। ये लिया है मैंने 1/2 टीस्पून ऑर्गेनो मसाला,
इसके साथ ही हाफ टी स्पून हर्ब, फिर इसमें मैं ऐड करूंगी हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स और साथ में 2 pinch ब्लैक पेपर। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी हाफ टी स्पून नमक, ये भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं इसमें। तो चलिए अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि हमारे सारे स्पाइसेस इसमें अच्छे से मिल जाएं, मिक्स हो जाएं। तो चलिए अब इसमें मैं लूँगी 2 teaspoon मेयोनीज, इसको भी मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी। इसके साथ ही मैं इसमें लूँगी ग्रीन लीव्स कोरिएंडर की, जो हमने इसको भी फाइन चॉप्ड कर लिया है, इसको भी इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसे 1 से 2 मिनट तक पकाना है, गैस का फ्लेम लो कर देंगे और गर्मा गर्म अब इसको हम परोसेंगे। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है स्मूथ क्रीमी चिकन अल्फ्रेडो पास्ता बना है। अब हमारा पास्ता तैयार हो गया है। लुक इज़ दिस क्रीमी सॉसी पास्ता, इट इज़ वेरी अमेजिंग। आई एम श्योर बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, जिसके घर पर बच्चे हैं वो तो ज़रूर बनाइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय गाइज़।